ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि अगर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और उसके रूट्स हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो अगर ये वाला डी पॉजिटिव हो जाता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तो रूट्स हमेशा रियल आएंगे क्योंकि तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वाला डी जो है वो निगेटिव हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक माइनस आई वाला टर्म आ जाएगा तो रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे। तो यानी रियल और नॉन रियल के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी पे। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक में डी की वैल्यू निकालें, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और वो पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल हो गए, अगर वो निगेटिव आ जाए तो रूट्स नॉन रियल हो गए। अच्छा, अगर डी पॉजिटिव आए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आए तो दो केस हैं, या तो इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो का मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल, ऑब्वियसली जैसे इक्वल टू जीरो रखेंगे दोनों रूट माइनस बी बाई टू ए आ जाएंगे, यानी रूट्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ फैक्टर ऑफ लीनियर स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर, मतलब वो लीनियर फैक्टर के परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके दोनों रूट इक्वल हैं। अब बात आती है अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो डी पॉजिटिव होगा। अच्छा, डी पॉजिटिव होने में दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, सही सर है, और डिस्टिंक्ट भी डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, सही है, इक्वल मतलब दोनों रूट बराबर बराबर अल्फा अल्फा, या फिर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सही है भाई, बोलो। अच्छा, आप सोच के बताओ, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, सोचो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर जो भी आप डी की वैल्यू रखोगे के स्क्वायर, उससे के बाहर आ जाएगा, तो जो रूट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस के बाई टू ए। अच्छा, अगर ए और बी दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो रूट्स हमेशा रैशनल होंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो यस सर, इसका मतलब इस केस में रूट्स ऑलवेज कैसे आएंगे, रैशनल इस केस में रूट्स हमेशा कैसे आएंगे भाई, रैशनल, यानी कि रूट्स आर रैशनल। सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बट उसके साथ साथ क्या होने चाहिए, कोफिशेंट जो ए बी सी हैं वो कैसे होने चाहिए, आर रैशनल, क्योंकि अगर कोफिशेंट रैशनल नहीं हुए तो रूट्स इरेशनल हो सकते हैं, बट अगर कोफिशेंट रैशनल हुए और डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स हमेशा कैसे आ जाएंगे, रैशनल, सही है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, अब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो डी को हम के स्क्वायर रख देते हैं, तो जो रूट्स की वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, बोलो, माइनस बी प्लस माइनस के बाई टू ए, तो जो एक रूट आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस के बाई टू ए, और एक रूट आएगा माइनस बी माइनस टू के बाई, सॉरी माइनस बी माइनस के बाई टू ए, समझ रहे हो कि नहीं बात को, ये बताओ पहले। तो इसका मतलब रूट्स कैसे आ गए भाई, रैशनल आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। अगर ए और बी ये कोफिशिएंट हम रैशनल नंबर ले लें तो ये रूट्स हमेशा रैशनल आएंगे क्योंकि अब इसमें कोई रैशनल क्वांटिटी बची नहीं, समझ गए। अच्छा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे भाई, इरेशनल, इरेशनल अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट्स कैसे होंगे भाई, इरेशनल, क्यों, क्योंकि अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल नहीं पाएंगे, बोलिए, क्योंकि अभी तो के स्क्वायर है नहीं, कोई भी क्वांटिटी डी है तो अब एक रूट क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और एक रूट क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, तो अब ये रूट्स कैसे आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, यस तो सर। कब रूट, ये कंडीशन कब आएगी, जब आपके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, अब जो ये इरेशनल रूट हैं ये भी दो कैटेगरी में आ सकते हैं, एक ये इरेशनल रूट हमेशा क्या हो, एक केस ये हो कि जब ये इरेशनल रूट हमेशा के लिए क्या हो, कंजुगेट में हो। कंजुगेट से मेरा मतलब है कि अगर एक रूट माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए हो तो दूसरा उसका कंजुगेट हो माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, मतलब अगर मैं एक रूट टू प्लस रूट थ्री बोलूं तो दूसरा रूट क्या हो जाए,
टू माइनस रूट थ्री, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब समझे कि नहीं, बोलिए। अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री हो, दूसरा रूट क्या हो जाए, टू माइनस रूट थ्री, तो इसका मतलब इरेशनल रूट आर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। इरेशनल रूट्स आर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। सही है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई एक तो केस हो गया कि इरेशनल रूट जो दोनों बन रहे हैं वो कैसे हैं, कॉन्जुगेट फॉर्म में, और दूसरा इरेशनल रूट आर नॉट इन कॉन्जुगेट फॉर्म। इरेशनल रूट्स लिख पा रहे हो कि नहीं भाई सब लोग? आर नॉट इन कॉन्जुगेट फॉर्म। सही है। एक केस में इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में है और एक केस में इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में नहीं है, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे अगर सारे कोफिशेंट रैशनल नंबर है। मान लो कि बी की वैल्यू अगर इरेशनल हो गई, बी कैसा हो गया, इरेशनल हो गया, तो सपोज यही रूट थ्री हो गया, अच्छा ये रूट डी है ही, और ये साइड 2a हो गया, तो क्या ये कभी कंजुगेट फॉर्म में लिख पाएंगे? भाई कंजुगेट फॉर्म का मतलब अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरा रूट टू माइनस रूट थ्री हो गया, ये कंजुगेट हो गया। बट अगर एक रूट रूट थ्री प्लस रूट फाइव है तो दूसरा रूट रूट थ्री माइनस रूट फाइव होगा, ये कंजुगेट की टेक्निक नहीं हुई। कंजुगेट मतलब a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी। सही है ना। कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, p प्लस माइनस रूट क्यू फॉर्म। और यहां क्या हुआ, डज नॉट p प्लस माइनस रूट क्यू फॉर्म। सही है। दो कैटेगरी, एक बार एक कंजुगेट होते हैं, नॉट कंजुगेट। हाँ हाँ हाँ। या इसको, अच्छा ये कॉन्जुगेट तभी होंगे जब जितने भी कोफिशेंट आप यूज कर रहे हैं वो सारे कोफिशेंट कैसे होंगे, रैशनल नंबर। रैशनल। अगर वो सारे कोफिशेंट रैशनल नहीं हुए तो कभी भी कैसी पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू की कॉन्जुगेट फॉर्म नहीं मिल सकती। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई? यस सर। ये है तो रूट्स तो दोनों केसेस में इरेशनल ही है, बट एक में कॉन्जुगेट फॉर्म है और एक में कॉन्जुगेट फॉर्म नहीं है। अच्छा, अब आइए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब आइए जरा नॉन रियल की कैटेगरी में देखते हैं। नॉन रियल की कैटेगरी में क्या है, डी निगेटिव होगा। डी निगेटिव होगा तो अगर मैं रूट्स की आपसे बात करूं तो डी निगेटिव होने पे रूट्स का नेचर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू निगेटिव होगी, तो हम इसको माइनस डी बाई टू ए लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस डी को हम आयोटा लिख देंगे, रूट अंडर ऑफ माइनस वन की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, तो आई रूट डी बाई टू ए। अब ये जो रूट आएंगे कंजुगेट फॉर्म में आ जाएंगे ना, एक बाई माइनस बी प्लस आई रूट डी बाई टू आएगा और एक माइनस बी प्लस आई रूट डी बाई टू आएगा, तो यहाँ पर भी दो केस होते हैं। सही है ना, नॉन रियल में भी दो केस होते हैं। एक होता है रूट्स जो हैं वो दोनों कैसे हो, कॉन्जुगेट फॉर्म में हो, मतलब रूट्स आर इन फॉर्म पी प्लस माइनस आई क्यू, और ये दूसरा होता है रूट्स आर नॉट इन फॉर्म पी प्लस माइनस आई क्यू। ये तब होगा जब सारे कोफिशेंट जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। सही है। और ये तब होगा जब ए बी सी कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर या कैन बी नॉन रियल नंबर, ज्यादा बेटर वर्ड। तब जो रूट्स आएंगे वो एक केस में
कंजुगेट पी प्लस आई क्यू के प्लस माइनस आई क्यू के फॉर्म में आएंगे और दूसरे में पी प्लस माइनस आई क्यू के फॉर्म में नहीं आएंगे। ये टोटल टेबल है, ये टोटल कैसी है, टेबल है। अब इस टेबल को मैं एक बार आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बना देता हूँ जिसको सर, आपको। हाँ बेटा बोलो बोलो सर बोलो। सेकंड केस का एग्जांपल दे दीजिए। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, जहाँ पे आपने लिखा है एबीसी कैन बी नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर के हिसाब से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो जैसे ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस टू आई एक्स प्लस थ्री, ऐसे कर, सही है ना? तो इसके रूट तो आप निकाल ही लोगे ना। अब ये टू आई जो है ये रियल नंबर नहीं है, नॉन रियल नंबर हो गया। सर पहला रियल बिलोंग करता है ना? क्या कह रहे हो सर पहला केस एक बार दिखा दीजिए उसे जो आपने पहले था। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर एक रूट टू प्लस थ्री आई है तो दूसरा रूट आप टू माइनस थ्री आई लेते हैं कब, जब सारे कोफिशेंट कैसे होते हैं, रियल नंबर। बट अगर एक रूट टू प्लस थ्री आई है और ए बी सी जो है वो रियल नंबर नहीं है, नॉन रियल भी हो सकते हैं, तो दूसरा रूट आप टू माइनस थ्री आई नहीं ले सकते हैं क्योंकि तब वो कंजुगेट की फॉर्म में नहीं होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सर अगर ए बी सी इरेशनल हुए तो? इरेशनल हुए यस सर। तो इरेशनल भी तो रियल ही नंबर होते हैं ना, इरेशनल भी तो रियल नंबर ही होते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं जी बेटा, रियल तो सर नंबर। उसे हम कॉन्जुगेट फॉर्म बोलेंगे। कॉन्जुगेट फॉर्म किस में, इस केस में पूछना चाह रहे हो या इस केस में? सर दोनों के लिए डिफरेंट केसेस है, मतलब ऑब्वियसली यार यहाँ पे रूट कैसे हैं, यहाँ पे रूट नॉन नहीं है, रियल रियल। तो फिर दो अलग अलग सर चीजें चल रही ना। हाँ क्या क्या आपको रखना है अपने पास, देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले तो दो केस अलग अलग बने थे, एक केस था रियल रूट और एक केस था नॉन रियल रूट। तो रियल रूट का मतलब था डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नॉन रियल रूट का मतलब था डी लेस देन जीरो। पहली कैटेगरी तो ये थी, यहाँ तक ओके था। इसके बाद रियल रूट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। एक पार्ट क्या था, इक्वल रूट का, और एक पार्ट क्या था, डिस्टिंक्ट रूट का। इक्वल रूट मतलब डी जीरो हो गया था और डिस्टिंक्ट रूट मतलब डी पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। अच्छा डिस्टिंक्ट रूट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहला रूट था डी अगर परफेक्ट स्क्वायर था तो रैशनल रूट्स, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इरेशनल रूट्स। रैशनल रूट्स मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल रूट मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ तक ओके हो गए थे। फिर इरेशनल रूट दो कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, पहली कैटेगरी थी रूट्स आर इन फॉर्म पी प्लस माइनस रूट क्यू, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फॉर्म, और यहाँ पे था रूट्स आर नॉट इन फॉर्म पी प्लस माइनस रूट क्यू। इसके लिए जितने भी कोफिशेंट थे ए बी सी सब कैसे थे, रैशनल, सही है। इसमें क्या थे, एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशेंट इज इरेशनल, इरेशनल, ये पहला कैटेगरी। अच्छा नॉन रियल में दो केस बने थे, पहला केस था रूट्स आर इन पी प्लस माइनस आई क्यू फॉर्म,
और यहाँ दूसरा केस था रूट्स आर नॉट इन पी प्लस माइनस आई क्यू फॉर्म। ये तब था जब सारे कोफिशेंट ए बी सी कैसे थे, रियल नंबर। ये तब था जब एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी कैसा हो, नॉन रियल हो। क्या टेबल पूरी सबको समझ में आई, बोलो बोलिए भाई। इस टेबल में लिखी yes, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। सिंप्लीफाई करते चले जाना है भाई। एक्स यहाँ क्या आ रहा है, माइनस सिक्स रूट टू प्लस माइनस रूट अंडर 72 माइनस 8, बोलो। यस सर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कोई बताओ, बोलो। माइनस सिक्स रूट टू प्लस 8, माइनस सिक्स रूट टू प्लस माइनस 8 बाई 2 आ रही है क्या, सो 4। यस सर यही आ रहा है। यस सर, मतलब माइनस थ्री रूट टू प्लस माइनस 4 ये आ रहा है रूट, बोलो सर। हाँ बेटा, अच्छा सर, 2 है नीचे यहाँ पर। यस सर, 4 4 4 तो यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, ऐसा अब ठीक लग रहा है। यस सर, सर अब है। यस सर, अब सही, अब सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो डिवाइडेड बाई 2 है। तो क्या ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा, इसी को हम लिख देंगे माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2। रूट अंडर ऑफ माइनस 1 को क्या लिख देंगे, आई। चलिए फोर्थ करिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, वन प्लस माइनस आई, एक्स क्या आ जाएगा, टू प्लस माइनस रूट अंडर फोर माइनस 8 बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 बाई 2, वन प्लस माइनस आई आ जाएगी, टू प्लस माइनस 2 आई बाई 2, यानी 1 प्लस माइनस आई आ रहा है। यस सर, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। सर डिस्क्रिमिनेंट का एक लॉजिक फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या निकालते हो, डी डिस्क्रिमिनेंट, हां डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 12। अब यस सर, 2√3 आ जा रहा है इनका, डिस्क्रिमिनेंट 12 आएगा, इसका मतलब डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया, तो रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। अरे बोलो यार सर, ग्रेटर देन जीरो होगा ना, हाँ मतलब, अरे मतलब वही, हाँ ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए कि नहीं, बोलो, पहली बात खत्म। अच्छा, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल हैं, तो क्या रूट्स रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, सॉरी, अगर और पूछा जाता, और वो भी किस फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट। क्या यहाँ तक ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, पूरा एनालिसिस क्लियर हुआ, ये बताओ, सिर्फ इतने को देखकर पूरा yes, क्लियर हो गया कि नहीं, डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, एबीसी सारे कोफिशिएंट रैशनल है, इसका मतलब रूट्स हमेशा इरेशनल होंगे और वो भी कॉन्जुगेट फॉर्म में, दैट इज पी प्लस माइनस रूट क्यू। तो भैया जिनको नहीं पता उनके लिए छोटी सी हिंट है कि अगर ए बी सी इन ए पी में है तो 2b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर होती है, ठीक है, बाकी डिटेल आपको मिल ही जाएगा। अब आइए हम सबसे पहले रूट, नेचर ऑफ रूट्स में क्या निकालते हैं, d, हमें कमेंट किस में करना है भाई, नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले क्या निकालते हैं, d, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac,
सही है ना। अच्छा 2b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी, तो a सी प्लस सी का का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या हम इसको यस a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर बोलिए। अब ऐसे कहो, अगर a और c बराबर हो जाएं, बोलो, तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना बताओ। यस सर पहली चीज। अच्छा अगर a और c बराबर नहीं है तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मैं पूरा एनालिसिस कर दे रहा हूँ। अच्छा इसके बाद अगर ये d परफेक्ट स्क्वायर भी है, यहाँ पे बोलो भाई, d जो है वो a माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, तो d परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? रैशनल रूट तो अगर ए बी सी सारे कोफिशेंट कैसे हैं, रैशनल दिए हैं ना, हाँ ए बी सी सारे कोफिशेंट कैसे दिए हैं यहाँ पे, रैशनल, तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रैशनल। क्या ये पूरा एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, बोलो क्या ये पूरा अब इसमें जिस तरह से ऑप्शन आपके सामने फ्रेम करके दे दिया जाए, आप उस तरह से चीजें सोच सकते हैं। अगर इसी में कह दिया जाए ए बी सी आर इक्वल, तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। अब इसी में कह दिया जाए कि ए और सी इक्वल नहीं है, मतलब ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो इसका मतलब रूट्स फिर कैसे आएंगे, हमेशा रैशनल रूट्स। क्या ये पूरा एनालिसिस समझ में आया दो पार्ट में, बोलो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी है, मतलब जिनको नहीं पता था उनके लिए देखिए, एबीसी अगर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर एसी होता है, और नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, तो फोर ए सी माइनस फोर ए सी, तो ये तो जीरो आ गया, और डी जीरो आने का मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या ये आंसर सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ? यस सर। सर BC प्लस BA माइनस 2AC का होल स्क्वायर। भाई D का मतलब है B इनटू C माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 4 AC A माइनस B एंड B माइनस C। ये आया मेरे हिसाब से तो D मेरा। अच्छा इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो लिख सकता हूँ बी सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर, और ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी सी कहीं बन सकता है, हाँ बन सकता है, ए सी माइनस बी सी और ए बी माइनस ए सी, दोनों में आप ध्यान से देखो ए सी टर्म कॉमन दिख रहा है, और ए बी और बी सी दिख रहा है, ए बी बी सी यहाँ भी, यहाँ ए सी मिसिंग है, तो बस ए सी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एक टर्म लिख देते हैं बी सी माइनस ए सी, और एक टर्म लिख देते हैं ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं बी सी माइनस ए सी और ए सी माइनस ए बी। प्लस हो जाएगा ना, ए बी माइनस ए सी, माइनस कॉमन एडजस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको ए कह दें इसको बी कह दें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस फोर ए बी, तो क्या हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, बोलो। यस सर। ए सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये आ गया बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac का होल स्क्वायर, हाँ है ना में जवाब दो। तो क्या d एक परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो, तो इसका मतलब d जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो भी हो ही सकता है, तो रूट्स रियल तो है ही, हाँ या ना में जवाब देना भाई, रूट्स आर रियल। अब डिस्टिंक्ट और इक्वल है कि नहीं है ये तो डिपेंड करेगा कि abc की वैल्यू क्या है, बोलो भाई, बट रूट्स रियल तो है ये सर्टेन बात हो गई कि नहीं।
सर स्टार्टिंग से थर्ड स्टेप वाला बता दीजिए सर। कौन सा बेटा? ये वाला। यस सर। इसमें मैंने ये सोचा ना कि अगर मैं इसको देखूं तो ये ए बी सी और ए बी है, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करूँ, तो ये ए सी माइनस बी सी और ए बी माइनस ए सी बनेगा। अब मैंने देखा कि बी सी और ए बी तो यहाँ आ गए हैं, बट ए सी का टर्म मिसिंग है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो मैंने यहाँ पर ए सी को ऐड कर दिया और ए सी को सबट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस वाला इसके साथ ले लिया और प्लस वाला इसके साथ ले लिया, तो ये बन गया बी सी माइनस ए सी, ये बन गया ए बी माइनस ए सी। अच्छा, इसको बी सी माइनस ए सी बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लिया मैंने। अब अगर मैं इसको ए की तरह ट्रीट करूँ, इसको बी की तरह, तो ये क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, जिसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है, समझ गए कि नहीं? अब यस तो रूट्स इसके कैसे होंगे भाई? रियल होंगे, सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है मेरे पास। ये तो मेथड सबने देख लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, बोलिए भाई। अच्छा, इसका इसको ऑब्जर्व करने का भाई, हमें नेचर ऑफ रूट्स ही तो ऑब्जर्व करके बताना है, सही है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे बताऊं? इसमें जरा एक्स की वैल्यू 1 रखो, रखो जरा, क्या आएगा बताओ? सी इंटू ए माइनस ए बी बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, क्या ये 0 आ गया, ये बताओ। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज दी रूट ऑफ इक्वेशन होगा कि नहीं, ये बताओ। तो यस अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी, बोलो। इफ वन रूट इज रियल और सारे कोफिशेंट रियल हैं तो दूसरा रूट भी क्या होगा? रियल तो रियल होने दोनों चाहिए। रूट कैसे होंगे? बोलो, रियल बस खत्म। सर ये तरीका स्कूल में कर सकते हैं। नहीं, ये शॉर्टकट है भाई, स्कूल में शॉर्टकट नहीं लगाए जाते हैं। ये 4+√3 और सारे कोफिशिएंट, 4+4-√3 और सारे कोफिशिएंट कैसे हैं? रैशनल है, तो दूसरा रूट भी कंजुगेट फॉर्म में होगा, दैट इज 4+√3। अब चूंकि हमें ए बी सी को ही रिलेट करना है, तो ऑब्वियसली ए बी सी कैसे रिलेट होते हैं? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो सम ऑफ रूट निकाल लिया, दोनों रूट जब मिल गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, वहां से बी की वैल्यू ए के टर्म में और सी की वैल्यू ए के टर्म में उठा के रख दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक रूट 4+3 आई है और सारे कोफिशिएंट कैसे हैं भाई? रियल रियल है, तो इसका मतलब अगर एक कॉन्जुगेट होगा, यानी अगर एक रूट 4+3 आई है, दूसरा 4-3 है। 4-3 दूसरा है। फोर माइनस फोर थ्री है। माइनस थ्री आई सम ऑफ रूट कितना होगा बोलो? सम एट यानी हम एट इसी को माइनस 8 ले सकते हैं। प्लस थ्री और माइनस थ्री कट प्रोडक्ट ऑफ गया। रूट कितना होगा? सिक्स 4+3i × 4-3i, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 16-9i² होगा। अरे हाँ, है ना, जवाब दो। यस सर। यस सर। i की वैल्यू रूट ओवर ऑफ -1 होती है, तो i² कितना होता है? -1 कितना? -1 हुआ ना, बोलो। तो क्या ये वैल्यू 25 आएगी, जिसको हम c बाई a बोलेंगे? तो तुरंत हम सी को क्या ले लेंगे, 25 a। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सेम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी। माइनस बी प्लस तो इसका मतलब सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या आएगा बोलिए? माइनस ए माइनस 8a प्लस 25a अपॉन ए माइनस प्लस 8a। 25 है, बोलो आंसर क्या आ रहा है? एटीन सर है अपॉन 34 है, तो फिर सर 9/17। आंसर इज 9/17। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोल सकता है। आ नो गई सर, आ गई समझ। मतलब तो वही चीज हो गई ना, रैशनल सर तरीका हमने देखिए बहुत सिंपल सा ऑप्ट किया। हमको एन की वैल्यू बतानी थी, एन एक पॉजिटिव इंटीजर था और x के इंटीजर रूट्स हैं, मतलब इसमें जो भी x आएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा इंटीजर आएगा, हमने ये कहा, सही है। ये लिखा हुआ x² + nx + 24,
x इंटीजर है तो x स्क्वायर इंटीजर है, nx भी इंटीजर है, दो इंटीजर का सम इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब x into x plus 1, यानी ये दोनों फैक्टर भी इंटीजर होंगे। अब हमने 24 को फैक्टराइज करके लिखा, कितने इंटीग्रल डिफरेंट इंटीग्रल फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो यही सारे इंटीग्रल फैक्टर्स बने। अब अगर हम x को 1 लें तो x plus n की वैल्यू 24 होगी, अगर हम x को 2 लें तो x plus 1 की वैल्यू 12 होगी, अगर हम x को 3 लें तो x plus n की वैल्यू 8 होगी, अगर हम x को 4 लें तो x plus n की वैल्यू 6 होगी, और वहां से सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सर जो हमने x और x plus 1 की मतलब ब्रेक कराया तो उसमें हमने नेगेटिव क्यों नहीं अज्यूम किया उनको? किसको बेटा बताओ, जल्दी बोलो यार। आप लिख रहे हो x minus a into x minus 10 plus 1 equal to x plus alpha into x plus beta. Am I correct or not? बोलो हाँ या ना, जल्दी जवाब दो यार। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. क्या फील हो रहा है आपको? अगर इसको ये लिखा जा रहा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा आ रहे हैं। Yes, sir. It means x minus a, x minus 10 plus 1 equal to 0 having root क्या है बताओ? ये तो लिखना नहीं है बट ऑब्जर्व करने वाली बात है। माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब ये दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है? इसका मतलब आपसे क्या कहा गया, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इंटीजर। तो आपको a की इंटीग्रल वैल्यू पे कमेंट करना है। इसका मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1 है, सही है? अच्छा, x इंटीजर है, अभी आपने जस्टिफाई किया, a इंटीजर रही, 10 इंटीजर रही, तो इसका मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस 1 है, तो बस माइनस 1 को ही फैक्टराइज करके लिख लो। क्या ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए, या तो माइनस वन इंटू वन लिख लो या वन इंटू माइनस वन। इसका मतलब अगर हम एक्स माइनस ए को माइनस वन लें और एक्स माइनस टेन को वन लें, एक, या फिर हम एक्स माइनस ए को वन लें और एक्स माइनस टेन को माइनस वन लें, दो, यहाँ से एक्स को इलेवन लें और एक्स को जैसे इलेवन यहाँ रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 या 12? और जैसे यहाँ देखोगे तो ये 9 आएगा शायद ना? यस सर। और 9 यहाँ रखोगे तो ए कितना आ जाएगा, 8? यस सर, मेरा भी। तो इसका मतलब हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए? 2। क्या क्या 8 and 12? क्या प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? बोलो, अप्रोच वही पुरानी वाली थी बट ऑब्जर्वेशन था। इसमें डायरेक्ट आपसे ये नहीं कहा गया कि इसके रूट्स इंटीजर हैं, आपसे कहा गया कि इसको फैक्टराइज करके ये लिखा जाता है। ऑब्वियसली ये फैक्टर थ्योरम से आपने ऑब्जर्व किया कि इसके रूट तो माइनस अल्फा माइनस बीटा जो कि इंटीजर है, यानी हमसे क्वेश्चन में वही कहा गया कि इसके रूट्स इंटीजर है, तो ए की इंटीग्रल वैल्यू आपको बतानी है। तो क्वेश्चन वही था बट पूछे जाने का वे इसमें अलग कर दिया था, क्वेश्चन वही था बट पूछे जाने का वे इसमें अलग कर दिया था, बट क्वेश्चन की अप्रोच एकदम सेम थी। क्या ये बात?